उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूर सेवाधाम आश्रम में मूक बधिरों के चेहरे पर अब प्रसन्नता दिखती है। यहाँ 700 से ज्यादा मूक बधिर रहते हैं। सेवाधाम आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर करीब 700 मूक बधिर और दिव्यांग बच्चे, बच्चियाँ, बुजुर्ग और निराश्रित निवास करते हैं। यहाँ आने से पहले इन निराश्रित और दिव्यांगजनों के चेहरे पर किसी समय मायूसी, उदासी और परेशानी देखी जा सकती थी। यह सब प्रदेश के अलग अलग शहर की सड़कों पर गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। प्रदेश के कई शहरों से इस आश्रम में रखे गए यह मूक बधिर दिव्यांग अब स्वस्थ और खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं। जहां पर सर्व सुविधाओं से युक्त व्यवस्थाओं में रखा जाता है, यह सब हो पाया है सुधीर भाई गोयल के अथक प्रयास और मेहनत से। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सुधीर भाई जी, गोयल जी साहब मौजूद है 9 वर्ष में हमारे साथ, और हम जब यहाँ पर आकर देखा हमने तो किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में जो दिव्यांगजन है, मूक बधिर है, जो यहाँ पर निवास करते हैं, और जिनके चेहरों पर किसी समय हंसी, उत्साह, उमंगता नजर नहीं आती थी, वह यहाँ पर आकर स्पष्ट देखा जा सकता है। उनके चेहरों पर हंसी, उत्साह, उमंगता और भगवान की भक्ति का आनंद, किस प्रकार से यह सब संभव हुआ है, हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है सुधीर भाई जी। जी गोयल साहब, आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। हमारे उज्जैन के समाजसेवी और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता उद्योगपति श्री सुशील जी सेठी परिवार की ओर से आश्रम के 650 प्लस सदस्यों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही अनुकरणीय, अनुमोदनीय कार्य है। ये सीधा जो अन्न है वो परमात्मा के अर्पण के लिए होता है। ये जीवंत भगवान है। यहाँ मंदिर में पाषाणों की मूर्ति होती है। जब अवधेशानंद जी महाराज आए थे, उन्होंने बोला मंदिरों में पाषाणों की मूर्ति के दर्शन होते हैं, लेकिन सेवाधाम में जीवंत भगवान के दर्शन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम दीन, दुखी, पीड़ित, भूख से परेशान, रुग्ण और बेसहारे बेघर लोगों की सेवा में अपना तन, मन, धन लगाएं, तब परमात्मा प्रसन्न हो सकता है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हमें पर सेवा आवश्यक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।